हेलो सर, कैसे हो आप सब लोग? सही, ये जो है मेरे सामने देख रहे हो ऑल न्यू अपाचे आरटीआर 164V। और अपाचे आरटीआर 164V पहले भी कुछ ऐसे ही लुक्स में आती थी, ओनली ग्राफिक्स चेंज हुए हैं ऐसा आपको लग रहा है, बट नहीं, ये जो है एक नई फ्यूल टेक्नोलॉजी के साथ में आ रही है। मतलब यहाँ पे अब जो है अपनी अपाचे आरटीआर 164V चलने वाली इथेनॉल से, और पहले जो है पेट्रोल खाती थी, बट कुछ परसेंट 10-15% लाइक अपन पेट्रोल में मिलाते थे, 10% के लगभग तो मिलाते थे इथेनॉल, जो कि लाइक बोल सकते हो कि जो शुगर वाली चीज़ें उनसे जो है वो बनता है फ्यूल। और ये जो फ्यूल है ना, अप्रैल से जो अपने को इंडिया में देखने को मिल जाएगा हर पेट्रोल पंप पे। और अब जो है क्या हो गया है कि आप जो है ना इस बाइक के अंदर लगभग जो है 20-85% जो है इथेनॉल जो है डलवा सकते हो, और बचा हुआ जो है आप लाइक 15% आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। सो क्या है, आपकी बाइक चलेगी उससे, और इसे 4-5% पावर भी इंक्रीज होने वाली है। उसके बाद जो है ना इससे आपकी 4-5% माइलेज कम हो जाएगी। सो पंगा वही है, माइलेज कम हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, बट ये आपको सस्ता पड़ेगा कंपेयरिंग टू पेट्रोल जो है, ये काफ़ी सस्ता आपको पड़ने वाला है। बट यहाँ पे आपको पोल्यूशन भी कम देखने मिलेगा, उसी के साथ में जो बाइक है वो है लाइक परफॉर्मेंस ज़्यादा आपको दे देगी, माइलेज तो थोड़ी बहुत कम देखने को मिलेगी ही, बट फिर भी बहुत ज़्यादा सस्ता आपको पड़ने वाला है। तो देखते हैं यार, इंडिया में जो है जल्दी ये आ जाएगा लाइक जो इसका वेरियंट है। ये इंजन जो आपको सेम लग रहा होगा फिलहाल, आई डोंट नो कि ये जो इंजन है इसमें कोई चेंज है कि नहीं है, बट हाँ, जब आपको इथेनॉल वाली ये बाइक देखने को मिलेगी लाइक फ्लेक्स फ्यूल के साथ में जब देखने को मिलेगी, तो तब जो है ना वो चीज़ इसके अंदर चेंज जरूर कर दी जाएगी, इंजन वगैरह टेक्नोलॉजी सब कुछ, जिससे कि पावर भी एक्स्ट्रा मिलेगी और जो है बाइक आपका खर्चा भी कम खाएगी, लाइक जो है जेब पे भी कम भारी जो है ये पड़ने वाली है। तो आप लोग मेरे को बताओ कि आप लोग इसके लिए वेट करोगे या नहीं करोगे। स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी, ओके, उसके बाद फीचर्स वगैरह सब कुछ आपको सेम देखने मिलने वाला है, कंसोल भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइडिंग मोड्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें सिमिलर ही मिलने वाली है, कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो है न्यूली मॉडल है, उसी को जो है इन्होंने फ्लेक्स फ्यूल में जो कन्वर्ट किया है, जो कि आपको ये सिंगल एग्जॉस्ट जो है देखने को मिलता है। सो लेटेस्ट मॉडल है जिसके अंदर इन्होंने टेक्नोलॉजी दिखाने की कोशिश की है, और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी आरटीआर के स्टिकर्स हैं, और बाकी जो डिटेल्स है ना वो इसकी यहाँ पे आप देखो, मॉडल वगैरह लिखा हुआ है, लेंथ वीडियोस और स्पेक्स हो गए। मेन जो है ये कि यार फ्यूल जो है अपना फ्लेक्स फ्यूल वो आप 20% मिनिमम जो है इसमें यूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम 85%, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पावर वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर इन्होंने मेंशन की है, बट जब लाइक आप इथेनॉल डलवाओगे तो आपको जो है पावर इसमें ज़्यादा देखने को मिलने वाली है, तो वही है। तो फिलहाल जो है एक यहाँ पे ये शोकेस की गई है, उसके बाद जो है एक इधर भी जो है इन्होंने शोकेस कर रखी है, बाकी प्लीज़ डू नॉट सीट, तो यहाँ पे अभी पब्लिक डे है तो इन्होंने जो है ये सब कर रखा है, FFT फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी। सो ये सारी चीज़ है इस बाइक के अंदर। तो आप लोग मेरे को बताओ कि आप लोगों को कैसी लगी, और इंडिया में जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी यही बाइक, नहीं इसी के साथ में उधर एक और बाइक है, उधर जो और भी बाइक्स है जिनका जो है मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए एक वॉकराउंड लेके आने वाला हूँ, जिसमें कि आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है ये फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी। बाकी प्राइसिंग वगैरह के बारे में बात करूँ तो उसका कोई भी मेरे को आइडिया नहीं है कि क्या प्राइस है और क्या प्राइस नहीं है, तो उसके बारे में अभी बात करना भी नहीं चाहता हूँ, तो वो जो है जब लॉन्च होगी तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ इसकी प्राइस होने वाली है। बाकी फीचर्स ऑलमोस्ट सारे सिमिलर रहने वाले हैं, कोई भी चेंज आपको नहीं देखने मिलेगा फीचर्स के अंदर, बस पावर बढ़ेगी, माइलेज थोड़ी सी कम हो जाएगी, और आपका जो फ्यूल है वो सस्ता पड़ जाएगा आपको, तो वो सारी चीज़ें जो है इस बाइक में आपको देखने को मिलेगी, बाकी तो सब कुछ सिमिलर ही देखने को मिलने वाला है। तो चलिए यार, ये था कुछ आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।